Hey guys, welcome back on my channel. And if you are new to my channel, please make sure to subscribe to my channel because I've started the series of beginners makeup series step by step. So if you haven't watched out the previous first part and second part of how to prep the skin and how to correct the skin, so go watch it now. Link is in the description box because that is very beneficial for the beginners as well as for everyone. So let's get started. So after correction, here comes the process of concealing the areas of the pigmentations and the रेड स्पॉट. सो यहाँ कंसील बहुत चीज़ें की जाती है जो आपकी रेडनेस होती है स्किन पर, जहाँ पर आपने करेक्शन किया होता है, या ब्लैकनेस होती है, डार्क सर्कल होते हैं, पिंपल होते हैं, उन एरियाज़ को कंसील किया जाता है ताकि वो हाइड हो जाए और आपका स्किन टोन में आ जाए. सो ये होता है थर्ड पार्ट आपका मेकअप का. सो इसे हम लोग वहाँ एरिया पर लगा रखे हैं जहाँ हमारे स्किन के अंदर करेक्शन हुआ है. एंड देन चाहें तो इसे ब्लेंडर की हेल्प से भी हम मर्ज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हैंड से भी इसे मर्ज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है. सो यहाँ मैं बिगनर्स को टीच कर रही हूँ, तो मैं मिनिमल एसेसरीज़ के साथ मैं टीच करूँगी ताकि हर कोई सीख सके. सो आप लोग अपनी फिंगर से भी इसको इफ़ेक्टिवली मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद में आप ब्यूटी ब्लेंडर या किसी स्पंज इसको सेट कर दीजिए. सो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो भी एरिया हमने करेक्ट किए थे, जो प्रॉब्लम एरिया थे, ब्लैकनेस, डार्क सर्कल, पिंपल मार्क्स, वो सारे हाइड हो चुके हैं करेक्शन एंड कंसीलिंग के बाद में. सो दैट्स व्हाई ये जो स्टेप्स होते काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो अगर आप लोग ये स्टेप्स नहीं करते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो दैट्स व्हाई आपके जो मार्क्स होते हैं वो दिखते हैं, और जो हम लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराते हैं तो उसमें नहीं दिखते हैं, तो यही डिफरेंस होता है. सो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जा करके देखिए, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियल है और रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में. रिजल्ट्स जो है वो क्लियर विजिबल है कि फेस के ऊपर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिख रहे जो प्रीवियसली दिख रहे थे. देन उसके बाद में जो भी रेडनेस बची हुई होती है ना, उसे आप पिंक कलर के कंसीलर से करेक्ट कर सकते हैं. मैंने यहाँ मेरा जो इंडियन स्किन टोन होता है, सबका इंडियन स्किन टोन जो होता है वो येलो कलर पर होता है, तो इसलिए मैंने येलो कंसीलर लिया था स्विस ब्यूटी का, जो कि अफोर्डेबल रेंज में है. देन उसके बाद मैं एडेगल का पिंक टोन का कंसीलर लिया रेडनेस को थोड़ा और हाइड करने के लिए. सो यह आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट कितना अच्छा आया है. सो ज़रूर आप लोग मेरे सारे जो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो सारे आप लोग देखिए. सो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और एक प्रोफेशनल मेकअप जो होता है वो आप काफ़ी अपने घर पर बैठ कर के आराम से सीख पाएंगे. एंड इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इसे शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके. और यही मेकअप आप लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से जा कर के सीखते हैं, 1000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो आप लोग इसे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं. सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट स्टेप वीडियो. Bye-bye.